सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम प्रेजेंट्स शॉर्टकट्स प्रवीण के साथ। ये है बड़े वाले छोटे किस्से। ऋचा इंतजार करती थी स्कूल की इस एक्सकर्शन ट्रिप का। सारे लोग मस्ती करते हुए एक साथ हंसते खेलते हुए जाते थे। पिछली एक्सकर्शन ट्रिप का एक साल हो गया था, पता ही नहीं चला। और इस बार स्कूल की एक्सकर्शन ट्रिप में वो कोलकाता भ्रमण पर निकले थे। गाइड ने शुरुआत की सबसे पहले नॉर्थ कोलकाता से, और उसके बाद हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और फिर प्रिंसेप घाट से गंगा की नौका में सैर। पूरे एक्सकर्शन में बच्चों के चेहरे पर हंसी बरकरार रही। शाम का वक्त था जब इस ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन पर सारे बच्चे पहुंचे, और वहां ऋचा को उसकी दादी मिली। दादी के यहां होने पर ऋचा को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा के अनुसार दादी पिछले 4 सालों से अपने ही किसी रिलेटिव के साथ रह रही थी, और दादी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। बातों ही बातों में रोते रोते दादी ने बताया कि ऋचा के पापा खुद उन्हें यहां पर इस ओल्ड एज होम में छोड़ के गए हैं। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम प्रेजेंट्स शॉर्टकट्स प्रवीण के साथ। ये हैं बड़े वाले छोटे किस्से।